Hello everyone, how are you all? Welcome back to a brand new vlog of Sidra Mehran and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज का दिन होने वाला है बहुत बड़ा क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं. अभी मैं जा रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी. आज हमारी कोई स्टूडेंट टीचर मीटिंग है, फॉरेन स्टूडेंट्स की जो है वो मीटिंग है. और ये जी टैक्सी नहीं है और हम यहाँ वेट कर रहे हैं. तो जी मैंने कहा अकेली जाऊंगी तो बोर ही हो जाना है, तो क्यों ना मैं एनी को साथ ले लूं. हाय एनी. तो अभी हम खड़े हैं जी यहाँ, टैक्सी का वेट कर रहे हैं. कोई टैक्सी आ जाए और हमें ले जाए बस स्टॉप तक. यहाँ से हम टैक्सी करेंगे और फिर बस स्टॉप जाएंगे. बस स्टॉप से हम एक बस में बैठेंगे, वो हमें एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी की लोकेशन पर उतारेगी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने उतारेगी. ओ वाओ, हमें टैक्सी भी मिल गई. यहाँ का जी मौसम कुछ अजीब ही है. कल स्नोफॉल हुई, कल जो है वो बर्फ पड़ी और आज जो है वो सनी है, फुल सनी. जी अब हम हैं दूसरी टैक्सी में, एज यू गाइस कैन सी, क्योंकि जी उस पहले वाले डम ड्राइवर ने हमें किसी गलत जगह पे उतार दिया था, गलत बस स्टॉप पे उतार दिया था जहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी की बस जा ही नहीं रही थी. तो अब हम लोगों को जो है जल्दी पहुँचना था. इट्स 1:30 PM और हमें 2:15 पे पहुँचना है यूनिवर्सिटी. मुझे मीटिंग हॉल में होना है 2:15 पे. और अगर हम लोग बस के ही इंतज़ार में रहे और दूसरे बस स्टॉप पे जाते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते. इसलिए हमने सोचा कि दूसरी टैक्सी पकड़ें और निकलें यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि लेट होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग. चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल होते हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरा इमेज जो है वो साल भर के लिए ख़राब हो जाए. तो इसलिए जल्दी जल्दी टाइम पे पहुंचना है और इमेज ख़राब होने से बचाना है अपना. सो या आई एम राइट नाउ आई एम इन टैक्सी और गोइंग टूवर्ड्स माई यूनिवर्सिटी. देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं. वक्त का मुकाबला सख्त है जी, जल्दी पहुँचना है. Arrived. Thank God. किसने हमें सही जगह पे उतारा. This is my university main gate. हाँ, finally यूनिवर्सिटी पे पहुँच गए और टाइम पे पहुँच गए. अभी भी टाइम है 2:15 में. अभी क्या टाइम हो रहा है? Let me see. और ये फ़ोन ऑफ. मुझे अपने ही फ़ोन में देखना पड़ेगा कि टाइम क्या हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि 2:15 नहीं हो रहे. हम लोग टाइम पे पहुंच गए. यस, लेट्स गो. सो वी आर वेटिंग हियर इन ऑफिस जब जाके मीटिंग स्टार्ट हो, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं. 1:57 पे पहुंच गए, स्टिल 15 मिनट्स आर लेफ्ट. फाइनली द मीटिंग इज़ ओवर एंड आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स. पता नहीं एनी बेचारी का क्या हाल हो रखा है, इतनी देर से वो वेट कर रही थी. लेट्स सी. ओके, फाइनली जी. क्या हुआ?
तुम जिंदा हो जी और मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम हंग्री, मुझे कुछ चलो चलो चल रहे कुछ देखते हैं खाने को, मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं पता नहीं कैसे मीटिंग अटेंड किया। ओके लेट्स गो। बाहर सर्दी है, अंदर पता नहीं चल रहा था। सर्दी है अंदर तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, मुझे भी। यहाँ अच्छा क्या मिलेगा देखते हैं, लच्छी क्या मिल सकता है हमें। मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? मीटिंग अच्छी थी, मज़े की थी। क्या क्या पूछा तुमसे? पूछा नहीं, इट वॉज जस्ट अ मीटिंग, और उस पर बस जो सारे फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनको सबको एक दूसरे की शक्लें देखनी थी, और बेसिकली उन्होंने इस मीटिंग में ये बताया कि भाई ये लॉनी तोड़ना, वो लॉनी तोड़ना, चाइनीज़ लैंग्वेज को लर्न करो, ये करो वो करो, इधर की सारी बातें। या तो बस मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, मेरे दिमाग में बर्गर्स आ रहे थे, पिज्ज़ाज़ आ रहे थे, और मैं बैठे बैठे वहाँ पे हाँ आई रही थी। आई कैन इमेजिन कि तुम कैसा फील कर रही होगी। इतनी ज़्यादा लंबी मीटिंग होगी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आ जाऊँ वहाँ पे। डायरेक्टर ने ख़त्म किया अपना लेक्चर, उसके बाद फिर एक और मैडम वो स्टार्ट हो गई, उन्होंने आधा एक घंटा ले लिया, तो बस फाइनली मीटिंग ख़त्म हो गई और अब हम जा रहे हैं कुछ खान को ढूंढने। सो दिस इज़ द फूड जो अभी हमें इस वक्त अवेलेबल है, क्योंकि लंच टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अभी हमें यही मिल सकता है, ये और हमने दो रोल और ऑर्डर किए हैं, जब तक वो है तब तक हम इससे पेट भरते हैं। और ये हैं जी हमारे रोल, सुमी योर्स रोल नहीं है एक्चुअली, कुछ सैंडविचेस टाइप है, कुछ बन टाइप है, बन कबाब टाइप, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। बिल्कुल ही उसके रेस्टोरेंट के पास में ही ये शॉप हमें मिल गई, और मुझे दो तीन चीज़ों की अशद ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा वो यहाँ से मैं ले लूँ। वन इज़ दिस बॉटल, मुझे ये कोई बहुत ही ज़्यादा क्यूट बॉटल लग रही है, हेलो किटी मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती है बचपन से ही, और अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पानी का बड़ा मसला होता है भाई, यहाँ पे आप जहाँ भी जाओगे आपको बॉइलिंग वाटर मिलेगा, कहीं भी आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा, तो हम लोग अपने साथ अपना पानी कैरी करते हैं बैग में, तो उसके लिए आई थिंक ये सही है, थोड़ी छोटी है बट इट्स क्यूट। दिस इज़ फॉर 25 यूएन, यस। एंड दीज आर लाइक बैक पैक्स, जिनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बैक पैक के बिना आप कुछ नहीं हो यहाँ पे। यहाँ पे दूसरे फैशन बैग्स जो हैं वो इतने नहीं चलते जितने बैक पैक्स चलते हैं, और मुझे बहुत ज़रूरत थी। मैं जो है एक मेरे पास ब्राउन कलर का है, वो मेरा भी नहीं है, वो हुसैन का है, वो ही मैं ले लेके हर जगह घूमती हूँ, तो मैं सोचा कि अब आई हूँ और ले ही लूँ, मैं कब से डिले किए जा रही हूँ, बट एक मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, डिसेंट भी है, क्यूट भी है, तो आई थिंक ये मैं ले लूँ, मुझे ये पिंक वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इनका ले लूँ, बाकी भी लेती रहूँगी कभी कोई अच्छा मिल गया तो। अब एक चीज़ मिल रही है मुझे जो मुझे पसंद आ रही है, जो क्लिक कर रही है, तो मेरे ख्याल से मुझे ले लेनी चाहिए। और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं इस शॉप पे, आप ये देख सकते हैं कि मेकअप मिनी बैग्स हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर है भी जस्ट 25 यूएन का, वाओ ब्यूटीफुल। और ये स्लीपर्स देखें, ये कितनी क्यूट हैं, मुझे लेनी चाहिए या नहीं? मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे जो है अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे, जो मैं नहीं इतनी मेहनत करना चाहती, तो इसलिए मैं स्लीपर्स छोड़ देती हूँ, वो मैं फिर कभी ले लूँगी कहीं से, बट फिलहाल ये बैग्स भी हैं, कैनवस बैग्स, वाओ टेडीज, स्टफ्ड टॉयज, और ये मिनी लैम्प्स, क्यूट। सो गाइस आई जस्ट सिलेक्टेड दिस बैकपैक और ये बॉटल, लगभग एक दूसरे के मैचिंग करती हुई मैंने ये दोनों चीज़ें ली है, क्योंकि आजकल ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से इट लुक्स लाइक दिस, पानी आपका गर्म भी रहेगा और ठंडा भी रहेगा। सो हमने कहा अब जाते जाते अब लेमोनेड भी ले ही लें
क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी, पानी नहीं पिया था, तो अब जल्दी से हम लेमनेड लेंगे और फिर घर को निकलेंगे। अब मैं आपसे शायद घर पे जाके मिलूं, क्योंकि बैटरी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डेड है मेरे पास बैटरी, फ़ोन शायद ऑफ हो जाएगा। वी आर बैक होम और अभी हमें कहीं और जाने के लिए तैयार होना है दोबारा से। सुबह हम लोग निकले हुए हैं कोई 1 बजे से और अब बज रहे हैं कोई 7 बज रहे हैं शाम के, 7:30, और अब हमें कहीं और के लिए तैयार होना है। उफ़, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा तैयार होने का, बट क्या करें, टाइम दिया हुआ है, किसी ने अपने घर पर इन्वाइट किया है तो जाना तो पड़ेगा, क्या करें। सो मैं बस जल्दी जल्दी अब रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। सी मटे में चे बियर ओची दाव ना तू तो मा ओची दाव ना चे बियर ओ युक्वे मा कोई तो तुझे लुआ बे हेलो या डॉक्टर जान कैन यू प्लीज टेल मी योर एड्रेस ओके 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 यस वी आर ऑन द वे ओके आई गॉट इट थैंक यू सी यू लेटर बाय। So guys, we are on our way. हम लोग को आज घर पे डिनर पे इनवाइट किया है हुसैन की, मेरे जो भाई हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर ने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ अपने व्लॉग्स में बताना कि किसने इनवाइट किया, क्या किया, हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो मेरे हमेशा माइंड से निकल जाता है, फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। तो वी आर ऑन आर वे, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे और बस जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ, यूनिवर्सिटी से आई और फ़ौरन से मैंने वल्दान को रेडी किया और जल्दी जल्दी इसको तैयार करवाया और बस निकले हैं। हाँ, एडिशन ज़रा सा ये किया है कि मैंने थोड़ा सा इसका एडिशन कर लिया और हाँ, मैंने अपने शूज़ भी चेंज किए। यहाँ शी इज़ एनी, अम्मी और भाई मेरे आगे हैं, तो हम चारों जा रहे हैं, हम पाँचों जा रहे हैं वल्दान को मिला के डिनर पे। तो अब हम आपसे मिलेंगे उनके घर पे। सो वी आर जस्ट गोइंग अप, कौन से फ्लोर पे हमें जाना है? 24 पे। Tina. Hello, Grandma. Hello. My daughter Tina. Okay. Dr. Zhang, my teacher, you can say. Okay. And his daughter, cute. And his assistant professor. Yes. Oh. And his wife, beautiful wife. Hello. And I didn't know him. This is my nephew, or son of my sister. Okay. Hello. So, nice to meet you. Li Shua. Son. Li is his family name. Okay. Sure. You can call him Sure. So my younger sister. Yeah. She. And her son. My mom, beautiful mom, and the beautiful lady is my sister. Sister. Yes. It's older sister. This is a younger sister. Okay. यहाँ पे जी चाय बनाई जा रही है,
एंड यू आर मी लोगों के लिए योर गेस्ट और नो नो इट्स ओके आर यू अ गेस्ट एंड आफ्टर डिनर टीना विल प्ले पियानो फॉर अस वाओ ये This is for me क्योंकि मैं चाय नहीं पी थी तो जूस is for me. That's natural mango juice. Yes. Not removed. Not flavored. That's for the baby boy. Baby boy. Yeah. Too much. Yeah. This is like maza. You want to watch TV or maza slice to nahi maza aap keh sakte hain. Vildan ne apni jagah dhoond li hai. Wo khud jaake apni jagah dhoond ke baith chuka hai. Vildan, mama, clap your hands. Be careful. I know. Just like her. I told you, walk upstairs. Careful. Mama, you want to do this? Vildan? Yeah, मुझे बड़ा शौक है ये चलाने का but मैं यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती आपको इस घर में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी क्योंकि He's so sporty. उन्हें इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या साइकिल्स रखी हैं चाइनीज सॉन्ग्स आई वॉन्ट टू लिसन चाइनीज सॉन्ग्स विल्दान की दोस्ती हो गई है टीना से विल्दान इज शी योर फ्रेंड मामा इज शी नाइस Mama? Vildan? Vildan ko bas ab iske ilawa iske samne kuch nahi nazar aa raha usko ye But this is like so dangerous. Wow, show me. Coco hai. Coco. Coco. किसी करो कोको को कैसे ये मुझे जो है वो पीनट लगे बट दिस इज लाइक हॉर्स बीन कोई हॉर्स बीन के नाम से है एंड दिस इज लाइक स्वीट एंड स्पाइसी इतना कोई मजे का नहीं लगा मुझे सही था जस्ट कीप इट इन योर रूम व्हाट मामा इज शी योर फ्रेंड Is there any light? No, no light. No light. Yes. So guys, this is Tina's room. Yeah. You like this? It's my toy. This is your toy. Yes. These are your toys. Is this your picture? Yes. Wow, can I see it? Little Tina. Oh, these are your books. All in Chinese. All in Chinese. She always show her book for everyone. And she was showing me her so toys. Happy. Yeah. He's so happy here. Yeah. Yeah. He's so happy here. And this is so beautiful. Yeah. So beautiful picture. Yeah, when she was on her floor birthday,
4 years posting, you see. She was 4 years old, right? Yeah, now she is 9 years old. Okay. That's four, 5 years ago. So it's her birthday picture? Yes. What's the picture? Yes. Just one picture? No. The other one? No. She got a picture book. It's too hot. It's too hot. Inside. Because if you go out, the heating system is so high. Actually, in China, especially in our province, we are not so cold in our apartment or house because we have the warmer. Mm. It's very nice and very nice thing. Right? It's easy to pass this bad weather. It's not so problem. Is this for your son? I still have no son. I know. It's that's room of the Tina. But why you made this bed? All of this I designed. Oh, you designed. And the worker, they made it increase the water in the air. Ah. Yeah, it's humidifier. Yes, it's humidifier. Because sardi ki wajah se inki gharon mein jo hai. Percent. Now our room's percent is 38. Room temperature is 38. Yes. So this is kind of air cooler. Bahar, minus 1. It's minus 1 bahar. I set the promise. The warm will be dry because the warm the air will be dry. Yes. So I need this. So this is your room? Yes, okay. You like toys? Tina's toy. Smart home theater. It's like a projector. वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ रखता हूँ और हम लोग मूवी देखते हैं. Very clear. But Rabiawal. Oh wow. Yeah, it's your bed. Yes, it's bed. It's bed. And this is very hard, you guys. This is very hard. It's hard. So we get this. Okay. You put this is very hard. ये लोग चाइनीज लोग जो है वो बिल्कुल भी जो है मैट्रेसेस पसंद नहीं करते नरम नरम हम लोग जैसे स्प्रिंग मैट्रेसेस होते हैं होते हैं हमारे पास ये लोग जस्ट जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर सोते हैं क्योंकि दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ आप देख सकते हैं चाइनीज लोग किस तरीके से रहते हैं और क्या क्या होता है उनके घरों में और वो किस स्टाइल से रहते हैं मेरा बेसिकली मतलब जो है ये वीडियो बनाने का ये है This is like your study, yeah. जहाँ पे ये पढ़ते हैं और study and games भी खेलते हैं. Yeah, it's okay. Tina's toy room. Tina's play room. Oh. I've seen put there. और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा mess फैला हुआ है ये क्योंकि टीना ने फैलाया है और यहाँ पे वो अपने artworks करती है. That he never, my professional. He never read. Is this your picture? Yes, I never read. This picture is from Thailand. Yes, it's from Thailand in 2012. 2012. Oh. 2012 October. So you like this car? No, just model, my friend. Model car. He has a lot of model cars. Yes, you see there. Okay. Yeah, many cars. Oh wow. Many model cars. Oh wow. That's very expensive, especially for art or auto art. You see, it's Lamborghini. Lamborghini model. It's Lamborghini. Mustang. जैसे जी शौक होते हैं लोगों के कुछ स्टेशनरी किसी को कलेक्ट करने का शौक होता है किसी को पॉइंट्स कलेक्ट करने का शौक होता है तो डॉक्टर चांग को जो है वो मॉडल कार्स कलेक्ट करने का शौक है तो इनके घर में आपको हर जगह मॉडल कार्स नजर आएंगी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की और इन्होंने जो अभी आपको दिखाए भी stick, it's best for your camera. Stick
for your camera. Jang jo hai wo mujhe camera ki stick dene wale hain. Wo dhoond rahe sare ghar. Wo unhone mujhe vlogging karte hue dekha aur mere YouTube channel ko bhi unhone subscribe kiya hua hai. Unhone kaha main aapko jo hai main tumhe ek selfie stick deta hu. I don't know selfie stick ki baat kar rahe hain tripod ki. Let's see. उन्होंने कहा मैं ढूंढता हूँ उस टाइम मुझे मिल नहीं रही है तो मैं अपनी वाइफ को कहूंगा कि वो मुझे ढूंढ के दे और फिर लेटर ऑन मैं तुम्हें दे दूँ अल्लाह करे मैं दे दूँ क्योंकि इस टाइम मुझे सेल्फी स्टिक की बहुत अशद जरूरत है मेरे पास एक थी वो मैं घुमा के बैठ चुकी हूँ Yes, it's a tripod. Yeah, yes. But it can. But it's for not for phone. It's for DSLR, I think. Yes, yes, the one. Okay, thank you so much. This but is like a two so of it. You only had a screen. I use that for YouTube, YouTube. Yeah. I got it. Short video. Okay, so what is this? What is this? Pepsi chicken. It's Pepsi chicken. Yeah. And it's spicy with beef. What? It's vegetable. This vegetable. Cauliflower. Yeah, cauliflower with beef and qingcao. Okay, I think coriander and with beef. Yes. Okay. Everything is beef. That's chicken. Okay. Because the beef is from the halal restaurant. Halal. Halal. It's from halal. Yes. What? Okay. Yes, it's halal. Halal. Beef. All the weapons is halal. This is like Chinese cooking? She can speak English. Oh, really, really nice.